पैटी थीफ, एक कुशल चोर। उसने क्लियर कह दिया कि मैं चोर हूँ। तो बिरजू बोला, सॉरी जो संत थे वो बोले, बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, यानी तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है टू ऑफर यू तुम्हें देने के लिए, बट माई विजडम, मेरी बुद्धिमानी के सिवाय, यानी मेरे पास तो ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? स्टील दैट, उसको चुरा लो। सैडदा से संत बोला, स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, वेनेवॉलेंटली, वेनेवॉलेंटली का मतलब थोड़ा कृपा करते हुए, तो स्माइलिंग वेनेवॉलेंटली, थोड़े कृपापूर्ण तरीके से वो मुस्कुराया, जैसे आशीर्वाद देने वाले भाव से। एज इज फॉलोअर्स लाफ्ड, और इस पर जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके अनुयायी थे, वो भी हंस गए। तो वो कहता है कि स्वामी योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों ने हैड मेड किया है ग्रेट इम्पैक्ट, बड़ा प्रभाव ऑन मी, मेरे ऊपर, तुम्हारे शब्दों ने मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला है। सडनली, अचानक से, माई एंटायर लाइफ, कि मेरा जो संपूर्ण जीवन है, फ्लैश्ड, वो सामने आ गया बिफोर माई आइज, मेरी आँखों के। तो उसने कहा कि मेरा पूरा जीवन मेरी आँखों के सामने आज मुझे दिखा, और किस तरीके से देखा कि आई रियलाइज्ड, आज मैंने अनुभव किया, रियलाइज, मैंने समझा, आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट, तुम्हारी जो बातें मैंने सुनी उससे मुझे लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, इसलिए आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है टू चेंज, बदलने का। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, कि आज से मैं एक ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ टू रिपेंट, पश्चाताप करना, मैं अब पश्चाताप करना चाहता हूँ जो भी मैंने गलत काम किए हैं उनका। तो संत बोला, दैट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज, अगर आपको एहसास होता है तो एहसास होने में कभी देर नहीं होती। तो वो क्या कहता है कि इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होने में कभी देर नहीं होती। स्वामी सेठ, स्वामी बोले, लुकिंग एट हिज, लुकिंग, देखते हुए, एट हिज डिसाइपल, जो उनके शिष्य बैठे हुए थे, तो शिष्यों की ओर देखते हुए बोले, हु नोडेड इन एग्रीमेंट, और उन्होंने इस बात में सहमति दिखाते हुए जो अपनी गर्दन थी वो स्वीकृति में ऊपर नीचे हिला दी, क्या हम भी इस बात से सहमत हैं। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल, और वो कहता है कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी, मैं साथ रहना चाहता हूँ विद यू, तुम्हारे, वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं तुम जाओ। तो उसने ये भी कह दिया कि महाराज जी, मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ जहाँ कहीं तुम जाओ। तो वो बोलते हैं कि माई डियर बिरजू, बिरजू आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि यू रियलाइज, कि तुम समझते हो। उन्हें लगा कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम्हें समझ में आ गया है या तुम्हें ये एहसास है। हाउ टफ एन एसेटिक्स लाइफ इज, हाउ टफ, कितना कठिन होता है एन एसेटिक्स लाइफ, एक संत का जीवन। तो उन्होंने कहा कि तुम बदलना तो चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता कि तुम्हें ये समझ में आ गया है कि संत का जीवन कितना कठिन होता है। इट मे लुक ईजी, ये आसान दिख सकता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। दूर से दिखने में किसी भी संत का जीवन आपको आसान लग सकता है, बट इट रिक्वायर्स, लेकिन इसको आवश्यकता होती है, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब क्या होता है? समर्पित भावना, समर्पण जिसे कहते हैं, कि जब तक आपके अंदर इस बात के लिए समर्पण नहीं आएगा कि मैं वास्तव में अब इस जीवन को छोड़ना चाहता हूँ, तो एक तो इसके लिए समर्पित भावना चाहिए एंड डिटर्मिनेशन, और उसके साथ साथ दृढ़ निश्चय चाहिए, क्योंकि कभी भी आप ज़िंदगी में फिर से बदलना चाहेंगे, इस जीवन में जैसे आएंगे और ये जीवन आपको जैसे कठिन लगेगा, तो आप वापस जाना चाहेंगे कि मैं अब कोई साधु वाधु नहीं होना चाहता, मैं तो अपने वही जीवन में ठीक था। तो अगर आप दृढ़ निश्चय लेकर के आते हैं तब आप वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो दो बातें बताता है कि एक तो आप साधु या जैसे आप कोई भी संत होना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो समर्पित भावना लेकर के आइए, और दूसरा आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में उनने बताया कि कठिनाइयाँ बहुत हैं। तो वो कहते हैं, प्लीज़ स्वामी जी, गिव मी अ चांस,
स्वामी जी मुझे एक मौका तो दें। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, आई विल हैव नो चॉइस। तो यहाँ उसने एक बड़ी बात कर दी कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज, सिवाय गो बैक वापस जाने के, काय में टू माई ओल्ड वेज, अपने पुराने रास्ते पर, कि मेरे पास अपने पुराने रास्ते पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और दूसरा क्या बताया, एंड माई लाइफ, या अपने जीवन का अंत करने के अलावा। तो चूंकि बड़ी बात हो गई तो संत को भी लगा कि भैया आ जा। द सेज क्लोज्ड हिज आईज, तो संत ने अपनी आंखें बंद करी, इन डीप कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एकाग्र चित्तता, और गहरा ध्यान लगाया, एंड देन सेड, और उसके बाद बोले, ओके ठीक है बिरजू, फ्रॉम टुडे, आज से यू आर वन ऑफ माई डिसाइपल, कि आज से तुम मेरे एक शिष्य हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन केयरफुल रहना, अपने आप को सजग रखना, एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, गलत व्यवहार नहीं, गलत व्यवहार का अगर साइन भी मिला, तो अगर मुझे गलत व्यवहार का कोई साइन भी मिला, एंड आई विल थ्रो यू आउट, तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, यानी मेरे आश्रम में रह करके आपने अगर गलत व्यवहार कोई किया तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। बिरजू नोटेड हम्बली, बिरजू को तो चूंकि बनना था तो उसने बड़ी हम्बली विनम्रता से गर्दन हिला दी, ठीक है महाराज, देन बेंडिंग डाउन, और उसके बाद से एकदम से बैंड हो गया, जमीन पर लेट गया, प्रोस्ट्रेटेड, साष्टांग प्रमाण जो प्रणाम होता है वो किया, बिल्कुल हाथ जोड़ करके जमीन पर लेट गया, बिफोर द से संत के सामने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑनवर्ड, बिरजू वॉज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स, बिरजू वॉज द मेंबर, बिरजू शिष्य हो गया या सदस्य हो गया, आप ये मान कर चलें, ऑफ द बैंड, समूह का, ऑफ फॉलोअर्स, अनुयायियों के, तो जो उनके अनुयायियों का बैंड था, समूह था, बिरजू इसमें जुड़ गया, मतलब बिरजू उसका अनुयायी हो गया। अब अनुयायी होने के लिए जो करने पड़ते हैं वो काम उसने करे, ही सेव्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को मुड़वाया, वोर सेफ्रॉन क्लोथ्स, सेफ्रॉन होता है जो गाढ़ा पीले रंग का होता है, जिसे अपन लोग केसरिया कहने लगते हैं, तो उसने गाढ़े पीले रंग के कपड़े थे वो पहने, एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ अ वॉन्डरिंग मॉन्क, एंड लिव्ड द लाइफ, और जीवन को जीने लगा, लाइक अ वॉन्डरिंग मॉन्क, तो जैसे कोई संत जगह जगह घूमते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है वैसे जीने लगा। स्वामी अरवसु वॉज वेरी हैप्पी, स्वामी अरवसु तो बड़े खुश हुए विद बिरजू, बिरजू से, हु वॉज नाउ कॉल्ड विरजानंद, और अब वो उसे बिरजू की जगह पे विरजानंद कहने लगे। वेयर एवर द सेज गेव अ डिस्कस, जहाँ कहीं भी संत उपदेश देते, ही वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू, तो वो जरूर दिया करते बिरजू का उदाहरण, और कैसे कहते कि ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को सुनकर, ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स, के मेरे शब्दों को सुनकर, ऑफ विजडम बुद्ध मानी के, इवन अ क्रिमिनल हैज बिकम अ सन्यासी, के एक क्रिमिनल भी सन्यासी बन गया, जैसे कोई टीचर नहीं कहता उसके पढ़ाए हुआ किसी स्टूडेंट की अगर जैसे टॉपर हो जाता है तो वो कहने लगता है कि मेरे यहाँ पढ़ने के बाद देखो इस लड़के के भी इतने नंबर आ गए, जबकि रियलिटी ये होती है कि जो नंबर आते हैं वो स्टूडेंट की अपनी खुद की, जैसे उसकी जो मेहनत है वो उसका परिणाम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ के सबके तो, यानी सब तो टॉपर नहीं होते, या किसी भी टीचर के यहाँ पढ़ के सारे स्टूडेंट तो टॉपर नहीं हो सकते, तो इसलिए कभी भी इस बात का श्रेय किसी टीचर को नहीं लेना चाहिए कि मेरी वजह से ये टॉपर हो गया, तो वो स्टूडेंट की मेहनत है, उसने किया है, तो इसलिए उसका श्रेय उसी को मिलना चाहिए। तो आगे देखिए, ही वुड गिव एग्जाम्पल बिरजू, वो बिरजू का उदाहरण देते, ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स, के मेरे शब्दों को सुनकर, ऑफ विजडम बुद्ध मानी के, इवन अ क्रिमिनल हैज बिकम अ सन्यासी, कि एक जो क्रिमिनल है वो भी सन्यासी बन गया, ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, इस बात को बड़े गर्व से कहते, तो ये थोड़ी सी ठीक बात नहीं होती कि अगर आप इस बात को प्राउडली डिक्लेयर करते हैं। वन नाइट द सेज एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज ऑफ लोबन, तो आउटस्कर्ट्स मैंने आपको बताया था कि जो सरहद होती है, जो बाहरी सीमा होती है, उसे आउटस्कर्ट्स कहते हैं,
तो जो संत था और उसके जो अनुयायी थे वो सब के सब कहाँ पहुँच गए एक दिन, कि एक गाँव था कोई लोभन करके, तो उसकी सरहद पर जा कर के वो पहुँच गए एंड कैम्प्ड, और उन्होंने जा कर के शिविर लगा दिया अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। इट वॉज टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो जो संत थे उन्होंने कहा कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप अवर सेल्फ वार्म। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कैन समवन गो, क्या कोई जा सकता है टू द विलेज गांव में एंड गेट सम फायरवुड और कुछ जलाऊ लकड़ी ला सकता है, सो दैट ताकि वी कैन कीप अवर सेल्फ, ताकि हम खुद को कर सकें वार्म गर्म। तो सर्दी ज़्यादा थी, तो अपनी जो जनरल लैंग्वेज अपन कह सकते हैं जिससे कि आग जला करके अपन ताप सकें, आस्क स्वामी अरबसु, स्वामी अरबसु ने कहा। तो विरजू वॉलंटियर, विरजू तो चूंकि नया नया शिष्य हुआ था तो वो वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से अपने आप को पेश करना। तो विरजू ने अपने आप को पेश कर दिया एंड सेट ऑफ, और चल पड़ा क्विकली तेज़ी से टू फुलफिल, पूरा करने के लिए हिज मास्टर्स कमांड, अपने मालिक के आदेश को। तो जो उसके मालिक ने आदेश दिया तो उसको पूरा करने के लिए पहले बिरजू ने अपने आप को पेश किया कि मैं करूँगा और चल दिया। इट वॉज पिच डार्क, पिच डार्क होता है घनघोर अंधेरा, तो अंधेरा नहीं बल्कि घनघोर अंधेरा था। ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट, सभी विंडो और जो डोर थे सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे गाँव में जा कर के। विरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, और विरजू दरवाजे दरवाजे पर जा कर के उसने देखा, तो वो ये कोशिश कर रहा था कि किसी के घर में से अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो मैं उस घर को नॉक करूँ, उस घर को खटखटाऊँ। तो विरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी, इस आशा में गया अ लाइट और मूवमेंट समवेयर, कि या तो कहीं लाइट दिख जाए जलती हुई या कोई मूवमेंट दिख जाए, कोई हलचल दिख जाए। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांति थी। एवरी वन सीम्ड टू बी अस्लीप, ऐसा लग रहा था कि हर कोई सो गया। बिरजू डिड नॉट वॉन्ट, बिरजू नहीं चाहता था टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट रात का सन्नाटा। तो रात के सन्नाटे में बिरजू नहीं चाहता था कि मैं किसी को भी डिस्टर्ब करूँ, तो मैं किसी को भी यहाँ आकर के परेशान करूँ, इनकी नींद ख़राब करूँ, वो ऐसा चाहता नहीं था। ही वॉज वॉन्डरिंग वॉट टू डू, तो वो घूम रहा था यह सोचते हुए कि क्या करूँ, वॉट टू डू। वैन ही हीयर्ड अ फैमिलियर साउंड, तब तक उसे एक फैमिलियर साउंड सुनाई दी, परिचित सी आवाज़। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि टू बी कमिंग, के इसे आती हुई, यानी वो जो आवाज़ थी उसे आती हुई प्रतीत हुई, फ्रॉम अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में से, इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी पड़ी थी और उस झोंपड़ी में से उसे वो आवाज़ आती हुई प्रतीत हुई। इट वॉज एज इफ, बहुत अच्छा यूज़ है एज इफ, इट वॉज एज इफ, ऐसा लग रहा था कि समवन वॉज फ्राइंग समथिंग, समवन वॉज फ्राइंग, के कोई कुछ तल रहा हो, समथिंग कुछ,